हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग को अपर केस एज वेल एज लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करें उसका प्रोग्राम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्ट्रिंग को अपर केस एज वेल एज लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका एल्गोरिदम देखा था, तो उसी एल्गोरिदम को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो हमें एक स्ट्रिंग अपर केस के लिए और एक स्ट्रिंग लोअर केस के लिए फंक्शन चाहिए, तो वो फंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें से पहले फंक्शन का नाम हम रखेंगे str_upper और जिसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग पास करनी है और स्ट्रिंग मींस कैरेक्टर एरे, यानी कि हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कि कैरेक्टर str एरे। उसके बाद एल्गोरिदम के अंदर सबसे पहला स्टेप था i=0, उसके बाद हमें स्टेप्स रिपीट करने थे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वाइल लूप लिखेंगे और उस वाइल लूप के अंदर हमें कंडीशन के तौर पर रखना था कि जब तक स्ट्रिंग का आइथ कैरेक्टर नल ना हो तब तक हमें इस लूप को एग्जीक्यूट करना है, जिसके अंदर हमने दो स्टेप्स लिखे थे। पहला स्टेप एक इफ स्टेटमेंट था, जिसके अंदर हमें इफ स्टेटमेंट की कंडीशन के तौर पे लिखना पड़ेगा कि str ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97 एंड str ऑफ i लेस देन इक्वल्स टू 122 हो, तब हमें str ऑफ i के अंदर से 32 को डिडक्ट करना था, अदरवाइज हमें कुछ भी टास्क नहीं करना था। एंड ये इफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए उसके बाद हम आई की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करते थे। उसके बाद हमने स्ट्रिंग को रिटर्न किया था, तो हम यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं कि रिटर्न str, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से जो हम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं वो और कुछ नहीं है लेकिन एक कैरेक्टर एरे है। लेकिन हमने पिछले कुछ वीडियो के अंदर देखा था कि कैरेक्टर एरे एज अ रिटर्न टाइप के तौर पे हम नहीं लिख सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पे सिंपल सा लिख देते हैं कि void और यहाँ से हम रिटर्न स्टेटमेंट को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग अपर के लिए एक फंक्शन बना दिया है, उसी फंक्शन को हम कॉपी करके स्ट्रिंग को लोअर के लिए भी एक फंक्शन बना देते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं str_lower, जिसके अंदर भी हमें एक ही पैरामीटर पास करना था और वो था स्ट्रिंग पैरामीटर। वो फंक्शन के अंदर भी सबसे पहला स्टेप i=0 ही था, उसके अंदर हमने फिर से लूप लिखी थी और लूप के अंदर हमने लिखा था कि str ऑफ i जब तक नल ना हो तब तक हमें स्टेप्स को रिपीट करना है। उसके बाद उसके अंदर भी हमने इफ स्टेटमेंट लिखा था, लेकिन इफ स्टेटमेंट की कंडीशन के अंदर हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97 की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 करना था और लेस देन इक्वल्स टू 122 की जगह पे लेस देन इक्वल्स टू 90 करना था। उसके अलावा स्ट्रिंग के अंदर से जो हमने -32 किया है उसकी जगह पे हमें +32 करना था एंड उसके बाद बाकी सारा कोड एज इट इज था। अभी जब भी हम कोई भी फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके अंदर तीन चीजें जरूरी होती है, एक फंक्शन की डेफिनेशन, सेकेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन एंड थर्ड फंक्शन का कॉलिंग। फंक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है, तो अभी फंक्शन डिक्लेरेशन हम सबसे पहले लिख देते हैं। लेट अस से void str_upper और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास करते हैं। उसके बाद दूसरा फंक्शन जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा void str_lower और उसके अंदर भी हम एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास करते हैं, यानी कि अभी फंक्शन का डिक्लेरेशन भी खत्म हो चुका है। अभी फंक्शन कॉलिंग के बारे में हम सोचे तो सबसे पहले str_upper को हम कॉल करते हैं और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास करते हैं, लेट अस से str। उसके अलावा हम str_lower को भी कॉल कर देते हैं और उसके अंदर भी हम एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास कर देते हैं। अभी फंक्शन कॉलिंग के पहले हम सबसे पहले clr/str स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं। अभी जो पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किया है उस पैरामीटर को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, लेट अस से कैरेक्टर str50 एंड उसको हम यूजर के पास से रीड करवाएंगे, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा गेट str। अभी गेट के पहले हम एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि एंटर अ स्ट्रिंग। अभी फंक्शन कॉलिंग के बाद हम चेक कर लेते हैं कि वास्तव में हमारी स्ट्रिंग अपर केस एज वेल एज लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हुई है या नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं और जिसके अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि अपर केस स्ट्रिंग % s और उसके अंदर सिंपली हम str को प्रिंट करवा देते हैं।
उसके अलावा फिर से एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते हैं कि लोअर केस स्ट्रिंग परसेंटेज एस और उसके अंदर भी हम एसटीआर को प्रिंट करवा देते हैं। यानी कि अब हमारे मेन का पूरा लॉजिक खत्म हो चुका है। उसके अलावा फंक्शन के अंदर जो हमने आई नाम के वेरिएबल का यूज किया है उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट अस से उसको भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर आई, एंड यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि इंटीजर, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूँ कि कंप्यूटर, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि अपर केस स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कंप्यूटर एंड लोअर केस स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कंप्यूटर, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, जहां पे अपर केस स्ट्रिंग के तौर पे हमें मिल रहा है कि हेलो वर्ल्ड और लोअर केस स्ट्रिंग के अंदर भी हमें मिल रहा है कि हेलो वर्ल्ड। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम फिर मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को इजीली अपर केस एज वेल एज लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी 50 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर की स्ट्रिंग को हमें अपर केस और लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा और हमारा प्रोग्राम उतने कैरेक्टर की स्ट्रिंग को अपर केस एज वेल एज लोअर केस के अंदर इजिली कन्वर्ट कर सकता है। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग को अपर केस एज वेल एज लोअर केस के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।